नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया खबर लाइव। आपके साथ मैं अनुव्रत शर्मा। खबर आ रही है उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले से। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशानुसार अपराध में रोकथाम के लिए पुलिस अधीक्षक इमराज मीणा के दिशा निर्देश पर कुरारा प्रभारी निरीक्षक ने शहर भर में सघन वाहन चेकिंग अभियान चलाया। गाड़ियों की चेकिंग के दौरान बाइक चोरी को अंजाम देने वाला गैंग पुलिस के हत्थे चढ़ा है, जिसमें पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले गिरोह के 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है, जिनके पास से 9 मोटरसाइकिल और 1 टवेरा कार बरामद की गई है। पुलिस ने 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। यह गिरोह कानपुर, जालौन और फिरोजाबाद में चोरी करने के वारदातों में सक्रिय था। गाड़ियों की चोरी करने वाले गिरोह को पकड़ने वाली पुलिस टीम को हमीरपुर पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा ने 10,000 रुपये का इनाम देकर पुरस्कृत किया है। इंडिया खबर लाइव के लिए हमीरपुर से पंकज कुमार शर्मा की रिपोर्ट। थाना कुरारा क्षेत्र में स्वाट टीम और थाना कुरारा की टीम के द्वारा 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे से 1 टवेरा गाड़ी और 9 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। ये सभी चोरी की गाड़ियाँ ये विशेष तौर पर कानपुर, फिरोजाबाद और जालौन के क्षेत्रों से चोरी की गई थी। तीनों जो अपराधी हैं उनसे गाड़ियाँ बरामद करके इनको जेल भेजा जा रहा है। ये एक अंतर जनपदीय गैंग है, इसके माध्यम से तमाम गाड़ियों को दूसरे जनपदों से चोरी करके और यहाँ इन क्षेत्रों में बेचा जाता है, उसी तरीके से बेच के और पब्लिक बेकूफ बना के और गाड़ियों को बिना कागजात के बेच के इन लोगों के द्वारा ये कार्य किया जा रहा था। उसमें हमारी टीम के द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार करके इन गाड़ियों को बरामद किया गया है और ये काफ़ी अच्छी रिकवरी है। इसके लिए पूरी टीम को मेरे द्वारा इसमें 10,000 रुपये का पुरस्कार इसमें दिया जा रहा है। आगे भी इसमें और भी इस तरह के कुछ अपराधी जिनके नाम छूट गए हैं, 4 इसमें अपराधी, 3 अपराधी और हैं इसमें, एक सर्वेश यादव, पीयूष यादव और मनोज सोनी का भी अभी बातचीत किए गए हैं। इनकी गिरफ्तारी के लिए टीम हमारी लगातार